सहभागिता ने नहीं निभाई, क्या संदेश और क्या संकेत है रणनीति आगे की? आज से 4-5 पहले मैंने पहले चुनाव हुआ था और उसमें जिस प्रकार से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ध्रुवीकरण देखने को मिला, इतना तो समझ में आया कि हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपनी बात पुरजोर तरीके से जनता के बीच नहीं रख पाए और व्यवहारिकता भी कुछ ऐसी है। देश में जब वन इलेक्शन वन नेशन होगा तब हम लोग शायद हर चुनाव लड़ सकें। अभी तो विधानसभा ख़त्म हुआ, अब लोकसभा आ गया, इसके 2-3 महीने बाद पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे, फिर ठंड में नगरीय निकाय के चुनाव आ जाएंगे। तो छोटी पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय पार्टी, हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम हर एक चुनाव लड़ें। और वैसे भी ये जो लोकसभा का चुनाव है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ा जा रहा है, ऐसे में हमने अपने लोगों को अपने पार्टी से जुड़े लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि वो जिस दल के लिए भी जिस विचारधारा के लिए भी काम करना चाहें उनको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन आपके करीबी लोग कई पार्टियों में शामिल हो गए? प्राय दो ही पार्टियां हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो कुछ लोग इधर गए हैं कुछ लोग उधर गए हैं। जो लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिन लोगों को लगता था कि वे संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं वे कांग्रेस में चले गए। तो सभी तरह के लोग सभी जगह गए हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 4-5 सालों से लगातार मेरे परिवार के ऊपर एक के बाद एक कोई विपत्ति आती रही। आपने बताया मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 2 साल मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रही, बेटे की तबीयत भी बिगड़ गई। तो ऐसे में मैंने ये सोच समझकर व्यक्तिगत रूप से फैसला किया है कि एक साल ये जो जीवन की कश्मकश है उससे थोड़ा अपने आप को अलग रखूँगा और आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण करूंगा और एक साल बाद फिर सक्रिय रहेंगे। ऐसे में पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए अभी तो कोई ऐसा चुनाव, ये लोकसभा था, अब इसके बाद तो जब चुनाव आएंगे तब तक छत्तीसगढ़ का परिप्रेक्ष्य भी बहुत बदल चुका होगा। आज 90 सीटों पर लड़ा जा रहा है, परिसीमन के बाद 120 सीटें हो जाएंगी, क्षेत्रफल भी घट जाएंगे कहीं बढ़ जाएंगे। तो उस नए परिप्रेक्ष्य में हम लोग, और 4 साल का समय पर्याप्त रहता है, अभी तो सरकार बनी है, इसको कुछ काम करने का अवसर भी देखा दिया जाए कि कैसे काम करती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि भाजपा से आपके विलय की कोशिश नहीं बनी या गठबंधन की बात नहीं बनी या आपके प्रवेश की बात नहीं बनी, क्या सच्चाई है? नहीं, मैंने देखिए राजनीति भी अपनी जो पिताजी की विरासत है उसको लेकर आगे बढ़ने का अपना निर्णय लिया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग क्षेत्रीयता पर बल देते हुए आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, इस बार क्षेत्रीयता की बात इतनी प्रबल तरीके से हम लोग नहीं ला पाए, कई कारण थे, उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं और अगली बार हम भी क्षेत्रीयता को पूरी तरह से लेकर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया विचारधारा को जनता के बीच में लेके जाएंगे।